हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल राजयोगी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मशीन बनाने वाले हैं जो कि तीन मशीनों का काम अकेली करेगी। दोस्तों, उसमें कटिंग का भी सिस्टम है, ग्राइंडर का भी सिस्टम है और ड्रिलिंग का भी सिस्टम है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक लकड़ी का बॉक्स ले लेंगे जो कि हमने कारपेंटर से बनवाया है, जिसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई है तकरीबन 8 इंच और इसकी ऊंचाई है 4 इंच। ये 4 इंच इसकी ऊंचाई है और ये कुछ हमारे पास मोटर हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं। तो ये हम सभी देख लेते हैं इसमें से कौन सी बढ़िया काम करेगी। ये छोटी मोटर है और ये है 775। दोस्तों, बहुत ही हाई मोटर होती है ये, काफ़ी अच्छी स्पीड होती है इसकी। और ये 555 है, इसकी स्पीड थोड़ी छोटी होती है और इससे भी छोटी मोटर है। तो चलिए हम इस 775 मोटर को ले लेते हैं और इसको हम यूज़ करेंगे। ये दो मोटर और ले लेंगे, छोटी वाली जो कि इसमें हम यूज़ करेंगे। तो चलिए इनको साइड में रख देते हैं और ये 775 मोटर लेंगे और इसमें इस तरीके से एक ब्लेड फिक्स करेंगे। लेकिन ये ब्लेड देख सकते हैं इसमें नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी बड़ा होल है इसका। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और ये एक पत्ती ले लेते हैं जो कि घरों में पुट्टी करने के काम में आती है। तो इसी का हम आज ब्लेड बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से ब्लेड बनाने की शुरुआत करते हैं। तो ये हमने गोल पत्ती बना ली है और इसको चारों तरफ से घिस लिया है जिससे कि ये काफ़ी गोल हो जाए। अब बारी है इसके दांते बनाने के लिए। तो चलिए इसके अंदर एक सर्कल और काट कर लेते हैं जिसमें हम दांते बनाएंगे। हमारा ब्लेड बन के तैयार हो गया है और हमने इस मोटर में टांके की मदद से इसको वेल्ड कर दिया है। अब इसके अंदर फिक्स करेंगे हम। तो इसमें निशान लगा लेते हैं, ये हमने निशान लगा लिया है और इसको इतना कटर मशीन से काट देंगे। तो हमने काट दिया है और इसके अंदर ये बिल्कुल फिक्स आई है। एक पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लेंगे और इसको हीट करके इसके ऊपर लगाएंगे जिससे कि ये मजबूत बनी रहे। ये हमने हीट कर लिया है इसको और इसको कपड़े की मदद से दबा के इससे गर्म काफ़ी हो जाता है ये और काफ़ी मजबूत हो गया है ये, क्योंकि हिलाने से हिलेगा भी नहीं जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसमें हम दो सुराख और कर लेंगे जिससे कि अपने इस ब्रेक कर सकें। तो होल कर लिए। अब पीसी ये जो शीट है इस पर भी हमने ड्राफ कर लेंगे, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर लेंगे जिससे कि हम जो ब्लेड बोल्ट लगाएंगे तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाए इस तरीके से। चलिए जल्दी से इस मोटर को इसमें कस लेते हैं। अभी छोटी वाली मोटर है, इसको भी यहाँ पर लगाएंगे और दूसरी मोटर हम यहाँ पर लगाएंगे। तो चलिए इनमें हम होल कर लेते हैं। इसके लिए हम 10 का सिक्का लेंगे क्योंकि 10 का सिक्के का आकार इस मोटर के बराबर का है। तो हम इसके गोल सर्कल का बना लेंगे और एक यहाँ पर ही बना लेंगे। चलिए इसको जल्दी से काट लेते हैं, दोनों होल कर लेंगे।
मोटर्स के अंदर फिक्स आ चुकी है और दूसरी वाली मोटर्स में लगाएंगे तो इसके अंदर ही फिर फिक्स आ गई है, यानी कि दोनों होल हमारे परफेक्ट हो गए हैं। तो चलिए इसके अंदर फिटिंग करते हैं मोटरों की। तो मोटर हमने लगा दी और फेविक्विक की मदद से इसको जाम कर दिया जिससे कि बार बार निकल नहीं सकती है। तो चलिए हम एक सेल का टुकड़ा ले लेंगे। इस सेल के टुकड़े को इसकी जो पत्ती होती है उसका हम यूज़ करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको खोल लेते हैं और इसके लिए हम एक जुगाड़ बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस तरीके की एक जुगाड़ बन गई है और इसमें हम बर्मा बिट को लगा के और इसके अंदर हम टांके से इसको वेल्ड कर देंगे। ये भी हमारी वेल्ड हो चुकी है और इसका काम खत्म हो गया। अब दूसरा जो काम है वो ये है कि ये सफ़ेद सीट है ये गोल ले लेनी है या गोल कटवा सकते हैं आप। इसमें 20 सेंटर पर इसमें एक होल कर देंगे। चलिए हम इसी मोटर का यूज़ कर लेते हैं और इसमें होल कर देते हैं। तो हमने 20 सेंटर पर इसका होल कर दिया है और इस वाली मोटर में इसको लगाएंगे। लेकिन अगर इसको हम ऐसे लगाएंगे तो लेफ्ट राइट ये बबलिंग करेगा। तो इसके लिए हम एक पुली ले लेंगे इस तरीके की, इसको हम मोटर की शाफ्ट को हीट करके इसमें लगा देंगे क्योंकि इसकी जो शाफ्ट बड़ी है और पुली है थोड़ी छोटी। तो ये हमने इसके अंदर बिल्कुल फिक्स कर दिया है इस तरीके से। अब इसके ऊपर हम ग्लू लगा देंगे, सुपर ग्लू, जिससे कि चिपक जाएगी सीट। तो ये गोल वाली सीट जो हमने काटी थी ये इस पर चिपका देंगे अच्छे तरीके से और इसके थोड़ा अंदर भी फेविक्विक लगा देंगे जिससे कि काफ़ी मजबूत हो जाए। तो कुछ देर में ये सूख जाएगी, ये सूख चुकी है। अब इसके ऊपर हम सैंड पेपर लगाएंगे इस तरीके से, इसके ग्लू चिपका के और इस पर सैंड पेपर लगा देंगे। अब इसमें स्विच लगानी है हमें, तो ये कटिंग कर लेंगे स्विच के आकार की। तो ये हमने ये स्विच लगा दिए, एक टू वे स्विच है और एक सिंगल वे स्विच है। टू वे स्विच है वो दोनों मोटरों के लिए है और सिंगल वे है वो 775 मोटर के लिए है। चलिए हम ट्रांसफार्मर लगा देते हैं इसमें। ये ट्रांसफार्मर हमने अभी 1.5 एम्पियर के लिया है लेकिन आपको कम से कम 5 एम्पियर का लगाना पड़ेगा तभी मोटर हाई स्पीड से चल पाएगी। तो अभी हमारे पास है नहीं तो अभी हमने 1.5 एम्पियर का लगा के इसमें फिट कर दिया है, बाद में हम इसको 5 एम्पियर का लगा देंगे। तो चलिए जल्दी से इसकी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो सारे कनेक्शन हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं और इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार है। तो चलिए इसको हम फिट कर लेते हैं और इसमें एक होल कर देंगे जिसमें एक मेन लीड लगाएंगे हम बिजली से कनेक्शन देने के लिए। तो चलिए इसके कनेक्शन हम जोड़ देते हैं बिजली की मेन लीड से और जल्दी से इसकी टेपिंग करके इसको कम्प्लीट कर देते हैं। तो ये कम्प्लीट हो चुका है, वायरिंग पूरी अच्छी तरीके से हमने फिट कर दी है टेपे भी लगा के। और चलिए इसको पैक कर देते हैं, पैक करने के बाद इसके पेच वगैरह सारे कस देते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये 3-in-1 है यानी कि एक मशीन 3 का काम करेगी, घिसने का, सुराख करने का और काटने का। ये तीनों का काम एक ही मशीन में हम कनेक्शन किया है जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है और थोड़ी काफ़ी मेहनत लगी है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं।
कैसा वर्क करती है। सबसे पहले हम लकड़ी काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, मक्खन की तरह काट रही है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन काम कर रही है। ये देख सकते हैं आप कितना बढ़िया तरीके से काट रही है। देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, वर्किंग अच्छी कर रही है और स्पीड भी काफ़ी अच्छी है इसकी। चलिए मोटी सी लकड़ी काटते हैं, ऐसे मुझे लगता नहीं है काटेगी, फिर भी ट्राई कर लेते हैं। दोस्तों काट रही है इसी तरीके से, लेकिन ये काफ़ी ऊंची लकड़ी है, मोटी लकड़ी है, तो ये पूरी तरीके से नहीं काटेगी। चारों तरफ से आपको इसको हम काटते हैं और तब ये काट पाएगी। जब इसको चारों तरफ से काट लेते हैं पहले, देख सकते हैं चारों तरफ से ये कट गई है। अब ये बड़ी आसानी से टूट जाएगी, ये देख लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क किया इसने। चलिए इसके ग्रिल का भी डेमो देख लेते हैं, बेहतरीन। देखा दोस्तों, बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। और चलिए सैंडिंग का भी काम कर देते हैं, सैंड पेपर कैसे काम करता है इसका, तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही बढ़िया काम कर रही है दोस्तों, बहुत ही सुंदर मशीन है, आप भी घर पे आसानी से बना सकते हैं।